हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गर्वे सुलग पर। तो दोस्तों आज आप सब लोग मेरे सामने देख रहे हैं TVS स्पोर्ट का ब्लैक एडिशन। तो अब ये कह सकते हैं भाई इस हीरो की तरह भी इन सब लोगों ने उनके देखो देख, जैसे कि भाई स्प्लेंडर प्लस का सबसे पहले ब्लैक एडिशन आया था, तो अब इन लोगों ने भी TVS स्पोर्ट का ब्लैक एडिशन निकाला। हीरो ने पहले निकाल दिया ब्लैक एडिशन, तो अब तो यही कहा जाएगा कि भाई TVS ने हीरो वालों की देखो देख निकाला है ये ब्लैक एडिशन। लेकिन कुछ हो दोस्तों जो ब्लैक लवर हैं, तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि भाई अभी उन सब लोगों को TVS स्पोर्ट भी ऑल ब्लैक कलर के अंदर मिलने लग गई है, जिसको भाई ब्लैक कलर से एक अलग प्यार है। देख सकते हैं फुली ब्लैक एडिशन है, कंप्लीट ब्लैक है, अलॉय व्हील मडगार्ड वगैरह हर चीज़ ब्लैक कलर के अंदर दी गई है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये बाइक हमें 110 सीसी के अंदर मिलती है, 110 सीसी के अंदर सबसे सस्ती बाइक TVS ही अवेलेबल कराती है हमारे को TVS स्पोर्ट। और दोस्तों उससे भी अच्छी बात है कि इस बाइक की माइलेज, जो दोस्तों इस बाइक की माइलेज है ना, वो जो ओनर है ओनर से पूछा गया था पहले भी कभी, तो उन सब लोगों ने बताया कि वह 75+75-80 तक ही माइलेज दे देती है। तो 75 और 80 की माइलेज 110 सीसी की बाइक दे रही है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी दे रही है, एक पैसा वसूल बोल सकते हैं कि भाई 110 सीसी के अंदर 75+ की माइलेज दे रही है ये बाइक। और देख सकते हैं पीछे हमें स्पोर्ट्स के स्टिकर वाइट कलर के अंदर मिलते हैं, और जो इसका मतलब आउटर शेड है वो ग्रे कलर का है, अंदर का वाइट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हैंड ग्रैब रेल्स ये वाइट कलर की दी गई है। और तो दोस्तों वॉइस अप है सिंपल, हैलोजन बल्ब लाइट, बल्ब इंडिकेटर फ्रंट के अंदर, इधर हमें लेफ्ट हैंडल बार के ऊपर पासिंग स्विच, ऊपर की तरफ लोग भी माई बीम इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच, और देखते हैं यदि कनेक्शन होगा तो। कनेक्शन तो नहीं है दोस्तों, नहीं तो आगे की लाइट भी DRL लाइट वगैरह मिल जाती। इसके अंदर मोड दिए गए हैं इकोनॉमी मोड और पावर मोड, यानी मोड को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 45-50 तक के नियर बाई चलाते हैं तो इधर इकोनॉमी मोड की रहेगा, और पावर मोड के अंदर जब 55 से ऊपर चले जाएंगे या 60 से ऊपर चले जाएंगे तो ये पावर मोड की ये लाइट ब्लिंक हो जाएगी। छोटा सा फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, इधर माल फंक्शन लाइट, और नीचे ऑन करने के यहाँ पे शायद लो बीम हाई बीम के इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर कनेक्शन नहीं है तो अभी पता नहीं चल रहा। और इधर आप सब लोग देख सकते हैं TVS का लोगो स्टील क्रोमियम के अंदर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करते हैं, 71,400 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है रेवाड़ी TVS के अंदर। तो ये ऑन रोड प्राइस नियर बाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग हो जाएगा दोस्तों, जगह के स्टेट के हिसाब से जो भी उन सब के टैक्स लैब वगैरह रहती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बट ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है तो वो सब लगा के इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है ऑन रोड प्राइस। तो अपने रेवाड़ी के अंदर 71,400 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। कोई भी भाई ये बाइक लेना चाहे TVS स्पोर्ट ब्लैक एडिशन, तो ये अवेलेबल है GYS TVS के अंदर, तो इधर आ सकते हैं, इधर के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा। तो कैसा लगा आप सब लोगों को इसका ये ब्लैक एडिशन, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इधर साइड में आप सब लोग देख सकते हैं जो साइड कवर है ये डार्क ब्लैक है, मेटेलिक ब्लैक टाइप में, इधर आप सब लोग शाइनिंग ब्लैक है, जैसे मडगार्ड वगैरह भी शाइनिंग ब्लैक में, लेकिन ये साइड कवर जो है डार्क ब्लैक के अंदर है। और दोस्तों जो इसका एग्जॉस्ट है इसके ऊपर कम्प्लीटली कवर किया गया है, ताकि भाई आपका पैर वगैरह जैसे खड़े होते हैं हम, तो अक्सर पैर की पोजिशन ऐसी रहती है कि भाई इधर सिक्स टच हो जाता है, तो इसलिए इधर भी कवर दिया गया है कि भाई पैर वगैरह ना जल जाए। तो मिलते हैं आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।